दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वायरस के चलते आम जनता से लेकर बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज भी अपने अपने घरों में कैद रहे हैं। वहीं बीते कई महीनों तक लोगों ने अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाया है। वहीं कोरोना वायरस का असर बॉलीवुड पर भी गहरा देखने को मिला है। इस बीच बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपनी फैमिली के साथ अपने घरों में कैद नजर आए हैं, तो वहीं फैंस से अपील करते हुए भी नजर आए हैं कि इस दौरान वह अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखें और सावधानियों को बरतें। लेकिन अब धीरे धीरे आम जनता से लेकर बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज भी अपने काम पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अपने घर से निकलने लगे हैं, तो वहीं अपने काम पर भी फोकस कर रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड के पॉपुलर स्टार अजय देवगन भी अब अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि करीबन 8 महीने के बाद अजय देवगन अपनी अपकमिंग फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की शूटिंग पर लौट चुके हैं। हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि अजय देवगन ने अपनी अधूरी फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की शूटिंग हैदराबाद में शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग अजय देवगन ने लॉकडाउन से पहले ही खत्म कर दी थी, लेकिन अब करीबन 10 से 12 दिन का काम ही बाकी रह गया है और अजय देवगन इस काम को जल्दी ही खत्म कर देने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अजय देवगन अपनी फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शुरू कर चुके हैं। वहीं इस फिल्म में अजय देवगन अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया एक वॉर एक्शन फिल्म है जो कि एक सच्ची कहानी पर आधारित है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये फिल्म साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। इस फिल्म में अजय देवगन अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं, तो वहीं इस फिल्म में अजय देवगन के साथ साथ बॉलीवुड के फेमस स्टार संजय दत्त और परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली हैं, और साथ ही साथ इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा भी अहम भूमिका में नजर आने वाली हैं। वेल, साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें कि जहां एक ओर कोरोना वायरस की दहशत फैली हुई है, तो वहीं अजय देवगन की बेटी न्यासा देवगन और उनकी पत्नी काजोल इन दिनों सिंगापुर में है। न्यासा देवगन यहां पर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही है, तो वहीं मुंबई में अजय देवगन के बेटे युग देवगन है। वहीं युग देवगन यानी कि अजय देवगन के बेटे मुंबई में है और अजय देवगन अब अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हो चुके हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।